हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता और ये क्वांटम मैकेनिक्स का कंटिन्यूशंस के लेक्चर्स हैं। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल ब्लॉक्स की हम प्रॉब्लम सॉल्व करा चुके हैं। उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को प्रूफ करने में या क्वांटाइजेशन प्रूफ करने में, तो वहाँ से ये एक्सटेंशन है। इसके बाद हम थ्री डायमेंशनल ब्लॉक्स करेंगे और टनल इफेक्ट करेंगे। तो जो अभी हम क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज है उसमें सिर्फ ये तीन चार टॉपिक ही हैं मेन जो हम अभी कवर करने जा रहे हैं। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे ये जो क्वांटम मैकेनिक्स का प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर रखा है वहाँ पर लिंक है उसका। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, अ पार्टिकल इज कन्फाइंड टू अ वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ साइड एल, राइट एक्सप्रेशन फॉर इट्स आइगन फंक्शन एंड इट्स आइगन वैल्यू, शो दैट मिनिमम एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल कैन नॉट बी जीरो, जस्टिफाई द फाइनाइट मिनिमम एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, एक्सप्लेन व्हाई आर वी नॉट अवेयर ऑफ एनर्जी क्वांटाइजेशन इन अ डेली एक्सपीरियंस। तो क्या करते हैं, पहले हम पार्टिकल ये जो प्रॉब्लम है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो वहाँ पे हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ पे पूरा डिटेल में है आपका। तो क्या है, एक वन डायमेंशनल बॉक्स है जिसके बाहर इनफाइनाइट पोटेंशियल है, अंदर जीरो पोटेंशियल है। इसकी जो लेंथ है वो जीरो से एल है। हमने एक ऐसा पार्टिकल कंसीडर किया था कि इस बॉक्स के अंदर कन्फाइंड है। ये पार्टिकल की जो पार्टिकल जिस बॉक्स में कन्फाइंड है इसकी जो वॉल्स हैं ये इनफाइनाइटली हार्ड हैं। रिलेटिविस्टिक कंसिडरेशन को हमने इग्नोर किया था, साथ में वेलोसिटी को इतना कम लिया था कि जो कुलिजन था वो इलास्टिक कुलिजन लिया था। ठीक है, तो इस तरीके की जो इक्वेशन है उसका जो वेव फंक्शन आता है वो शाई इक्वल टू अंडर रूट टू बाई एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल आता है। और जो इसका आइगन फंक्शन था एनर्जी का वो था ई एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर। तो ये हम प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज करते हुए। अब इसके हम आगे कंटिन्यूशन में चलते हैं। चलिए, तो इसका हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने में क्या करते हैं, वेन एन इक्वल टू वन द एनर्जी ई एन इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर। ठीक है, एन इक्वल टू हमने वन ले लिया आइगन फंक्शन। सीन्स पार्टिकल इज कन्फाइंड टू द बॉक्स ऑफ लेंथ एक्स इक्वल टू एल। ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू एल के बीच में था तो जो इस बॉक्स की लेंथ है वो एल है। सो दैट सो द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन विल बी इक्वल टू द लेंथ दैट इज डेल्टा एक्स इक्वल टू एल, क्योंकि यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू एल के बीच में बॉक्स है तो लेंथ जो है एल है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू एल अनसर्टेनिटी इन मोमेंट, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई डेल्टा एक्स। देन डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई और डेल्टा एक्स की जगह हम एल लिख सकते हैं एल। मैंने आपको बताया भी था अभी कि हमने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की है कि रिलेटिविस्टिक कंसिडरेशन इग्नोर किया है तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी।
और काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे होगी वो हाफ एम वी स्क्वायर होगी पार्टिकल की. तो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m, और हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m. तो यहाँ से अगर डेल्टा ई देखेंगे तो डेल्टा ई हो जाएगा डेल्टा पी स्क्वायर अपॉन 2m, और पी की जगह अभी हमने ये कैलकुलेट किया है तो डेल्टा ई इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू पी की जगह एच अपॉन 4πL हो जाएगा. तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर एम. मिनिमम एनर्जी तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं इस जगह तो ये बिल्कुल ऐसा फंक्शन है E1 जैसा, जैसा भी हमने आइगन एनर्जी फंक्शन N1 इक्वल टू 1 रख के N इक्वल टू 1 रख के कैलकुलेट किया था, सेम ये हेजनबर्ग से भी वही रिलेशन आ रहा है. तो मतलब मिनिमम एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मस्ट बी इज द ऑर्डर ऑफ द दिस एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज इक्वल टू सेम एज द बिफोर एनर्जी वी कैलकुलेट. और अगर N इक्वल टू हम 0 रख लें तो E 0 हो जाएगा. E 0 होने का मतलब ये पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल. और पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम n इक्वल टू 0 रखेंगे तो वेव फंक्शन 0 हो जाएगा. वेव फंक्शन 0 होने का मतलब यह है पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता. और अभी हमारा जो इनिशियल कंसिडरेशन है कि पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, और अभी हम कह रहे हैं कि पार्टिकल नहीं है, वेव फंक्शन 0 है, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल. तो एन इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, और एन इक्वल टू 1 जो है मिनिमम एनर्जी देता है जो हम हेजनबर्ग से भी कैलकुलेट करते हैं और हमने आइगन एनर्जी फंक्शन से भी कैलकुलेट किया. तो इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. नेक्स्ट पार्ट है व्हाई वी आर नॉट अवेयर द क्वांटाइजेशन इन डेली लाइफ. तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एनर्जी लिख लेंगे. तो एनर्जी इज गिवन बाय, एनर्जी इज गिवन बाय ई एन इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 8ml स्क्वेयर. ठीक है, और आप चाहे तो इसको एच क्रॉस की फॉर्म में भी याद कर सकते हैं. इसको एच कट भी बोलते हैं कुछ. एच क्रॉस इक्वल टू एच अपॉन 2π. तो एच की जगह 2π एच क्रॉस रख सकते हैं. तो क्या करेंगे, दो एनर्जी लेवल्स की डिफरेंस ले लेंगे, दो एडजेसेंट लेयर्स जो हैं. तो एक n प्लस 1 ले लेंगे, एक n ले लेंगे. तो टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर्स, तो डेल्टा ई देख लेंगे. और डेल्टा ई क्या हो जाएगा, ई एन प्लस 1 माइनस ई एन. और ई एन की जगह क्या हो जाएगा, तो एन की जगह एन प्लस 1 रख देंगे. तो एन प्लस 1 स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 8ml स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 8ml स्क्वेयर. यहाँ से आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे. एन स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2n एच स्क्वेयर अपॉन 8ml स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 8ml स्क्वेयर. और n क्रॉस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी तो ये आ जाएगा. अब क्या करेंगे, एक जनरल मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेंगे, एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेंगे एक बॉक्स के अंदर जिसका मास है 10^-26 kg, और जिस बॉक्स में वो है वो 10 सेंटीमीटर की है, और यानी कि मीटर में हो गया 0.1 n. तो हमने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया. लेट अस कंसीडर अ मॉलिक्यूल ऑफ मास m, और m कितना ले रहे हैं, 10^-26 kg. किस बॉक्स में कन्फाइंड है, जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर. तो ये वैल्यूज पुट करिए और डेल्टा ई की वैल्यू कैलकुलेट करके देखिए.
तो डेल्टा ई कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा ई में वैल्यूज़ रखना स्टार्ट करिए। तो ये तो यही रहेगा 2n+1, एच स्क्वायर की जगह 6.6 × 10⁻³⁴ अपॉन 8, एम की जगह 10⁻²⁶, एल की जगह 0.1। तो ये सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपका आंसर आ रहा है, ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 3.4 × 10⁻²⁰ 2n+1। ये ईवी में है जो मैं आंसर बता रही हूँ, तो यहाँ पे जब जूल में आएगा और उसको फिर ईवी में चेंज करिएगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड कर लीजिएगा, तो आपका ईवी में आंसर आ जाएगा। जूल में मैंने अभी कैलकुलेट नहीं कर रखा है इसमें। तो इस एक्सप्रेशन से आपको क्लियर है कि जो ये एनर्जी लेवल्स हैं, इसमें दो एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस है वो 10⁻²⁰ है, और 10⁻²⁰ जो है बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो दो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो इतना स्मॉल है कि डेली लाइफ में हम इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं और इनको हम सेपरेटली नहीं देख पाते हैं। तो इसको हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं। तो इस एक्सप्रेशन से हम कह सकते हैं, इट इज़ क्लियर दैट एनर्जी लेवल विल बी सो क्लोज दैट दे कैन नॉट बी सीन सेपरेटली, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी इन डेली लाइफ और डेली एक्सपीरियंस इज नॉट पॉसिबल, और हमें कंटिन्यूस एनर्जी दिखाई देते हैं, इसलिए हमें कोई एनर्जी लेवल से दिखाई नहीं देते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स होगा, वो भी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद हम टनल इफेक्ट करेंगे। तो टनल इफेक्ट जहाँ तक है दो लेक्चर में होगा, वो छोटा टॉपिक नहीं है, और देखते हैं पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स भी एक लेक्चर में होता है कि दो में होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर जब हम करेंगे तो ही पता लग पाएगा। और यहीं पे एंड करते हैं इसको, थैंक यू। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हैव अ गुड डे।